हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो आपने पढ़ा होगा। ओके, हमको लेंथ ऑफ आर्क, देखो आप लोग ने ना टेंथ में पढ़ा है माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेक्टर, ये सब चीज़ें तुम पढ़ चुके हो सर्कल चैप्टर में। फिर जैसे तुमको बता चुका हूँ मैं क्या होता है, ये हमारा सर्कल है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ओके, ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है। ओके, ये हमारा क्या है, रेडियस। अगर मान लो मैं क्या करूंगा, यहां से एक रे को घुमाऊंगा, ऐसे यहां से यहां पर घुमाऊंगा, हम जो ये समझ लेता हूं यहां पर एक रेडियस वेक्टर है, इसको घुमा के मैंने यहां कर दिया, मैंने यहां से यहां क्या किया, इसको मूव किया। तो आप देख सकते हो यहां पर एक छोटा सा कर्व है, ये इसको हम लोग सेक्टर बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों के बीच में जो एरिया है उसको हम लोग सेक्टर बोलेंगे। ओके, बीच वाला जो है इसको हम लोग थीटा बोलेंगे, थीटा माने सेंट्रल एंगल। सबसे पहले क्या बोला मैंने, ये रेडियस है, यहां से मैंने रे बना के यहां तक खींच दिया, तो अब बीच में जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। अंदर जो बीच में एंगल बना, दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बना उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रल एंगल। और तीसरा, ये जो पार्ट है, ये जो सर्कमफेरेंस के ऊपर जो होता है पार्ट, इसको बोलते हैं एस। एस मतलब आर्क, एस मतलब आर्क। तो जैसे कि आपको टेंथ में था माइनर आर्क, मेजर आर्क, वो सब यहां पर नहीं है, क्योंकि अपन पूरे सर्कल का आर्क नहीं देख रहे। अगर हम पूरे सर्कल का आर्क देखेंगे तब हम बोलेंगे माइनर आर्क, मेजर आर्क। जैसे अगर हम पूरे सर्कल का देखेंगे तो ये तुम्हारा माइनर है और बाकी बचा हुआ क्या है, मेजर है। लेकिन हम यहाँ पे सेक्टर का देख रहे हैं तो इससे माइनर मेजर नहीं आएगा, सिर्फ आर्क आएगा। तो इस सेक्टर में आर्क कौन है, ये है। ओके, अगर सर्कल मैंने ऐसा बना दिया, ये हमारा सेक्टर है, तो आर्क क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा उसके मुंह के सामने ऐसे। ओके, तो आर्क को डिनोट करते हैं हम लोग एस से। एस का फॉर्मूला है आर इंटू थीटा, आर माने रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, थीटा मैंने क्या बोला, मैंने सेंट्रल एंगल, जो बीच में एंगल बनता है दो रेडियस के बीच में। तो ये तुमको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर, अगर इसका हमको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड? तो फटाफट इसको फटाफट फॉर्मूला कॉपी कर लो, हम क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हम लोग, पहला क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक के ऊपर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमको लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू निकालनी है ऑफ ए सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल। सबटेंड्स माने क्या, बनाना, खाने वाला नहीं। सबटेंड्स माने वो एंगल, कोई चीज बना रहा है, क्या बना रहा है, वो एंगल बना रहा है। जो आर्क है वो एंगल बना रहा है किसके ऊपर, सेंटर पे, कहां, कितना डिग्री, 108 डिग्री। वापिस से बता रहा हूं, हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है किसका, सर्कल का, जो कि आर्क सबटेंड्स यानी बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल। कितना एंगल बना रहा है, 108 डिग्री, कहां पर, सेंटर पे। तो मैं आपको बताया था थीटा मतलब होता है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कितना डिग्री है, 108 डिग्री। ओके, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग को, क्या है फॉर्मूला, S इज इक्वल टू आर थीटा। अब ध्यान रखना ये बात, तुम लोग कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो याद रखना फॉर्मूले में जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा रेडियंस में डालना है। सुनो ध्यान से, फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियंस में डालना है, रेडियंस। देखो मैंने लिख के रखा है यहां पर, तुम लिख के ले लेना, थीटा की वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए, रेडियंस में होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर डिग्री में है। तो कुछ बच्चे डाल देंगे डिग्री में, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको हमारा वैल्यू कभी रेडियंस में चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए। ओके, तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको। तो दो तीन वीडियो में मैंने सिखाया कि डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो बताओ। सिखाया था मैंने किससे मल्टीप्लाई करने का, पाई अपॉन 180। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 108। अब डिग्री लिखेंगे नहीं जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू पाई अपॉन 180। 9 से कटता है, देखो 9 वन जा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, 18 हो गया, 9 2 जा, नीचे भी कटता है 9 2 जा 18, बचा क्या 0।
साइड में लिख लो थोड़ा, 12 इंटू पाए तो क्या हो जाएगा 12 पाए अपॉन कितना है 20, और कटता है 4 से, 4 थ्री जा 4 फाइव जा, तो तुम्हारा वैल्यू क्या बचा 3 पाए, 3 पाए अपॉन 5, ये तुम्हारा रेडियंस में है। अब जो पहली बार आज का वीडियो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 180, और अगर उल्टा आना है तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई, ये मैंने पढ़ा कर रखा अच्छी तरह से, रिसेंट वीडियो में देख सकते हो। ओके ये तुम्हारा वैल्यू हो गया, अब डाल दो फॉर्मूले में, आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू, थीटा की वैल्यू कितनी है 3 पाई अपॉन 5, 3 पाई अपॉन 5, 5 वन जा 5 थ्री जा, नीचे का वन गया भाड़ में, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से कितना हो जाएगा 9 पाए, लेंथ है ये लेंथ है, और किसी भी चीज की लेंथ हम किसमें नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, फुट में, इंच में। ओके पर हम यहां क्या लेंगे जो हमको ऑलरेडी दिया है, देखो रेडियस किसमें दिया है सेंटीमीटर में, तो हमारा लेंथ भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में, अगर रेडियस दिया है इंच में तो ये भी आएगा इंच में, जो यूनिट वहां दिया वहां लेने का। ओके अब एक डाउट बच्चों को आएगा शायद कि सर हम लोग यहाँ पाई किलो डालनी नहीं है क्या, जरूरी नहीं है, डाल भी सकते हो डाला तो भी चलेगा। ओके कॉपी कर लो फटाफट इसको। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हम लोग क्या है, फाइंड द एंगल, इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है एंगल, एंगल माने डिनोटेड बाय थीटा, ये हमको फाइंड करना है इन डिग्री, ध्यान रखना एंगल किस में होना चाहिए डिग्री में फाइंड करना है, रेडियंस में नहीं फाइंड करना है अपने को, रेडियंस में नहीं। ओके सबटेंड माने जो बनाया, कहाँ बनाया सेंटर पे, तो एंगल सेंटर पे बनता है। ओके किसके ऑफ ए सर्कल बाय आर्क, वो एंगल कौन बना रहा है आर्क बना रहा है, जिसकी लेंथ देखो आर्क हूस लेंथ, मतलब है तुमको कौन सी लेंथ दी हुई है आर्क की लेंथ दी हुई है, आर्क हूस लेंथ, तो आर्क की लेंथ को हम किससे लिखते हैं एस से लिखते हैं, तो आर्क का लेंथ यानी तुमको एस दिया है कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ओके फिर बोला है इफ, अगर रेडियस ऑफ अ सर्कल तुमको दिया है, रेडियस दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, तो आर तुमको दिए सॉरी 25 सेंटीमीटर, आर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, देख लो रिपीट करता हूं वापस फटाफट, एंगल फाइंड करना है थीटा, किसमें फाइंड करना है डिग्री में, जो कहां बन रहा है सेंटर पे, और वो कौन बना रहा है एंगल आर्क बना रहा है, उसकी लेंथ कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, तो एस फॉर आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क 15 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है तुमको 25 सेंटीमीटर, तो सिंपल दिख रहा है तुमको, एस दिया है मतलब एस का फॉर्मूला यूज करने का, तो एस का फॉर्मूला क्या है एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस तुमको दिया है कितना 15, तो यहां पर 15 आ जाएगा, आर दिया है तुमको कितना 25, तो यहां डालना है 25 इंटू थीटा दिया है क्या नहीं फाइंड करना है, कितना सिंपल है एस दिया एस का फॉर्मूला लिखा डाल दिया वैल्यू। ओके अभी क्या करना है तुम बताओ, सिंपल ये मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा देखो इधर पे 15 है ये मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा अपॉन 25, उधर क्या रह गया थीटा रह गया, कैंसिल होता है ये कितने से 5 थ्री जा 5 फाइव जा, और कैंसिल होता है नहीं, तो थीटा की वैल्यू क्या तुम्हारी आई 3 अपॉन 5। अब यहां याद रखना, अब तुमको ये थीटा कहां से मिला, क्वेश्चन में दिया था क्या, फॉर्मूले से मिला है तुमको, खुशी में दिया नहीं था, और जब भी याद रखना फॉर्मूले में से जो हमको थीटा मिलता है वो हमेशा होता है रेडियंस में, किसमें होता है रेडियंस में, क्यों अभी कुछ देर पहले मैंने पहला वीडियो बनाया उसमें मैंने क्या बोला था कि फॉर्मूले में जो थीटा डालोगे वो किसमें होना चाहिए रेडियंस में, मैंने बोला था क्या बोला था फॉर्मूले में जो थीटा डालोगे वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए रेडियंस में, तो अगर फॉर्मूले में डाल रहे हो रेडियंस तो निकलेगा भी क्या रेडियंस, तो याद रखना फॉर्मूले से जो थीटा मिलेगा मेरे को फॉर्मूले में सॉल्व करके थीटा मिला वो किसमें है रेडियंस में, पर मुझे कन्वर्ट किसमें करना है इन डिग्री, तो लिख के रखा वहां पर मैंने रेडियंस दिया है डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखो रेडियंस दिया है डिग्री में यानी उल्टा आना है, मैंने पढ़ा के दिया ऑलरेडी, रेडियंस दिया डिग्री में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करने का 180 अपॉन पाई, तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 बाय 5 इंटू 180 अपॉन पाई, कटता है देखो 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, बचा कितना 3, 0 30 बन गया 5 6 जा, तो तुम्हारा वैल्यू कितना है बताओ
थ्री इंटू 36 कितना होगा 108 अपॉन कितना है पाई। ये पूरा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। कुछ लोगों को डाउट आएगा, ओके कुछ लोगों को डाउट आएगा कि यार पाए कैसे होता है, कभी कभी डिग्री में पाए रहता है। ओके फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ओके इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।